Welcome students and friends to this channel. So today I will discuss linked list part 3. So linked list part 1 and part 2, some stuffs related to linked list we already discussed in previous lectures, like insertion into the linked list and also deletion from a specific location from a linked list. So those who want to learn the basic operations and those programs, as well as some questions related to that, so they can refer my previous videos. And I would like to request those who are watching this video first time, so just go through my previous lectures from starting onwards, then you will be comfortable in that. So let's start. So this is linked list part 3. So we will see some more stuffs. Okay, so hum questions se start karte hain. So the question says that the following C program takes a single linked list of integers and rearranges the elements of the list. The function is called with a list containing integers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in the given order. What will be the contents of the list after the function complete execution? So means ye C program mein ek function hai, list of integer le raha hai, usko elements ko rearrange kar raha hai. और एलिमेंट्स किस ऑर्डर में गिवन है उस लिस्ट में, 1 2 3 4 5 6, मींस 7 नोड्स हैं जिनमें ये एलिमेंट्स गिवन है. फंक्शन एग्जीक्यूट होगा उसके बाद आउटपुट क्या होगा, दैट विल बी द क्वेश्चन. ओके, सो ये हमारा यहाँ पे ये नोड है, नोड में एक आपका इंटीजर वैल्यू है और एक नेक्स्ट फील्ड है. ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन. सो फर्स्टली लेट अस ड्रॉ व्हाट इज गिवन इन दैट. ओके, लाइक 1, देन इट इज 2, दिस इज गिवन है ना, ये हमें लिस्ट गिवन है इसी ऑर्डर में. सो इट इज 3, देन 4, देन आफ्टर दैट 5, देन इट इज 6, एंड देन इट इज व्हाट, 7. सो दिस लिस्ट इज गिवन नल. ओके, दिस लिस्ट इज गिवन, लेट अस सपोज दिस इज S. तो इस ऑर्डर में गिवन है एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7. अब ये फंक्शन अप्लाई करते हैं तो ये लिस्ट, एंड लेट अस सपोज दिस इज व्हाट, दिस इज लिस्ट. ओके, लिस्ट इज अ पॉइंटर, तो ये लिस्ट पॉइंटर है. तो यहां सबसे पहले P और Q दो पॉइंटर्स लिए, ठीक है, और इंटीजर टेम्प एक वेरिएबल लिया. तो यहां P और Q पॉइंटर हैं और एक टेम्प नेम का वेरिएबल है. ठीक है, फिर यहां चेक किया कि इफ नॉट लिस्ट, नॉट लिस्ट मतलब लिस्ट आपकी है ही नहीं है ना, तो लिस्ट है तो दिस इज फॉल्स, और लिस्ट ऑफ नेक्स्ट नॉट है ना, नॉट लिस्ट ऑफ नेक्स्ट, लिस्ट का नेक्स्ट नहीं है, मीन्स आपका उसका नेक्स्ट एलिमेंट भी नहीं है ना, मतलब मीन्स एटलीस्ट एक एलिमेंट आप उसका होना चाहिए, तो है, इट इज अवेलेबल. सो दैट्स वाई दिस कंडीशन इज वॉट, फॉल्स, सो इट इज नॉट रिटर्न. तो क्या होगा, पी इक्वल्स टू, यहां से एग्जीक्यूट करेंगे पी इक्वल्स टू लिस्ट, तो P कहां पॉइंट, और Q इक्वल टू लिस्ट नेक्स्ट, तो P कहां पॉइंट करने लगेगा, P पॉइंट करने लगेगा इस पर्टिकुलर प्लेस पे, दिस प्लेस, एंड Q कहां पॉइंट करेगा, लिस्ट ऑफ नेक्स्ट पे. तो लिस्ट ये है, लिस्ट ऑफ नेक्स्ट मींस दिस पर्टिकुलर प्लेस. नाउ एग्जीक्यूटेड, सो फर्स्ट व्हाइल Q, तो Q इज देयर, यस डेफिनेटली Q इज देयर, तो जब तक Q रहेगा तब तक ये हमें ये एग्जीक्यूशन करना है इस लूप का. तो पहले क्या करना है, P और Q की वैल्यू को स्वैप करना है, ठीक है, P वैल्यू और Q वैल्यू. तो P वैल्यू और Q वैल्यू को अगर आप स्वैप करेंगे तो P वैल्यू यहां और Q वैल्यू यहां, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे. तो इंटरचेंज होके यहां आ जाएगा 2, लेट मी चेंज दिस. ओके, सो यहां आ जाएगा आपका 2 और यहां आ जाएगा आपका 1. ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, P इक्वल टू P नेक्स्ट, P इक्वल टू Q नेक्स्ट, तो P कहां पहुंच जाएगा, Q नेक्स्ट, तो P हमारा आ जाएगा इस पर्टिकुलर प्लेस पे, तो P यहां से मूव हो जाएगा, और Q इक्वल टू P नेक्स्ट, तो Q कहां चला जाएगा, P नेक्स्ट पे, P नेक्स्ट मतलब Q रिप्लेस होके यहीं रहे, Q रिप्लेस होके हमारा कहां चला जाएगा, P नेक्स्ट, P नेक्स्ट इज व्हाट दिस, Q यहां आ जाएगा. फिर देन अगेन व्हाइल Q, सो व्हाइल Q मींस Q इज देयर, यस डेफिनेटली, तो P और Q की वैल्यू इंटरचेंज होंगी, सो दिस विल बिकम 4 एंड दिस विल बिकम 3, और P चला जाएगा Q नेक्स्ट पे, तो P मूव हो जाएगा यहां पे Q नेक्स्ट पे, और Q हो जाएगा P नेक्स्ट पे, तो Q विल मूव हियर P नेक्स्ट. ऑब्जर्व वेरी केयरफुली. नाउ अगेन नेक्स्ट टाइम व्हाइल Q, सो Q इज देयर, अगेन आई एम लूप रनिंग दिस लूप है ना, तो Q इज अवेलेबल, सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, कि Q इज अवेलेबल, सो जस्ट स्वैप द वैल्यूज,
So if you swap the value, so this will become 6 and this will become 5. And after that, P moved to Q next. So P will come here. And Q moved to P next. So what is P next? Null. So Q will move to what? Null part. Okay. Now again move to what? Come to loop. So while Q. So Q is what? Null. So while null. Null means condition is false. So come outside. So when you come outside, so the condition is what? Over. And the program execution is also over. So what will be the output in that case? So the output for the list. Kya arrange hua list ka? Arrangement hua 2, 1, 4, 3, 6, 5 and 7. So this will be the output. So this is our answer in that case. Okay, so I hope this is clear to you. It is simply a program which is given a linked list, and this is doing some sort of operation, okay, on the given linked list. Now come to next. Okay, so which one of the following statement insert an element after position current? Current position is given. So in mein se kaun sa statement kya karega? Current position ke baad ek element ko insert kar dega. Okay, so these are your options. So current equal to new node x comma current. So ultimately agar main aapse kahun ki ek link list given hai aapko, theek hai, is tarike ka ek link list given hai, aur yahan aapka ye, let us suppose ye current hai aapka, current means ye current pointer, aur yahan aapka next given hoga. Let us suppose ye do nodes given hai, theek hai, this is null. To humko karna kya hai according to program ki current ke baad, dekhiye after the current position ke baad ek new node insert karna hai, theek hai. To new node hamara, यह है न्यू नोड, और न्यू नोड में वैल्यू क्या है? x. तो ऑब्जर्व करते हैं. तो यहां पहला ये बोल रहा है करंट इक्वल टू, करंट करंट, ये करंट इक्वल टू मींस करंट यहां से जाके यहां पहुंच जाएगा. तो दिस इज नॉट वैलिड है ना, करंट तो यहीं रहेगा, केवल इसके बाद हमें लिंक ऐड करना. तो ये ऑप्शन इनवैलिड, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनवैलिड. नाउ ये दोनों चेक करते हैं. तो करंट नेक्स्ट, करंट नेक्स्ट मींस दिस प्लेस. तो इस प्लेस पे क्या लाना है? न्यू नोड x. तो न्यू नोड बनाया x के साथ, और उसके नेक्स्ट फील्ड में क्या डाल दिया? करंट. अगर हम नेक्स्ट फील्ड में करंट डाल देंगे तो ये कहां पॉइंट करने लगेगा? देखिए यहां तो यहां लिंक हो जाएगा, बट ये करंट पे लिंक करने लगेगा, जबकि हमें कराना कहां है? अगले पे लिंक कराना है ना. दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट. नाउ करंट नेक्स्ट, करंट नेक्स्ट में क्या डालना है कि न्यू नोड x के साथ x, और करंट नेक्स्ट, तो इसके नेक्स्ट फील्ड में क्या डालना है? करंट नेक्स्ट. करंट नेक्स्ट मतलब इसका एड्रेस. तो ये कहां पॉइंट करेगा? ये यहां पॉइंट करने लगेगा, और ये कहां पॉइंट करने लगेगा? यहां पॉइंट करने लगेगा. सो दिस लिंक विल ब्रेक. सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन. सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, डी फॉलोस है ना, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. वेरी सिंपल, ऑलरेडी वी सॉ अलॉट मेनी टाइम्स. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? दिस इज अ प्रोग्राम. सो राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट विद इन वन स्कैन. सो बेसिकली देर आर टू मेथड्स, ओके, फॉर व्हाट? फाइंडिंग मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट. So middle of the linked list. So there are two methods. Okay. So in one scan, or the another one is in two scans. तो दो scans में कैसे होगा? कि पहले first scan में क्या करेंगे हम? First scan में number of elements count करेंगे. Number of elements counting. ठीक है. और सेकंड एलिमेंट में हम उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंच जाएंगे. ठीक है. तो एंड सेकंड स्कैन, गो टू मिडिल लोकेशन. ओके, सो दिस, बट व्हाट वी आर आस्किंग? सो वी आर आस्क्ड विद इन वन स्कैन, है ना. तो विद इन वन स्कैन कैसे करेंगे? नाउ ऑब्जर्व वेरी केयरफुली. सो विद इन वन स्कैन, है ना. तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा लिंक लिस्ट एक गिवन होता, दिस इज ए बी सी एंड डी ई. ओके, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली एफ. ओके, एंड लेट अस सपोज जी, एंड लेट अस सपोज एच. And this part is what? This part is null. Okay, this is our linked list. तो approach क्या हो सकता है? कि approach ये होगा कि while
जब ये लूप हम एग्जीक्यूट करेंगे कब तक, यहाँ हम क्या करेंगे कि यहाँ दो पॉइंटर हम सेट करेंगे, ठीक है। यहाँ हमने दो पॉइंटर सेट किए, एक पी किया एस पर ही और एक क्यू किया, जहां पे एस पॉइंट कर रहा है वहां क्यू और पी और क्यू दो पॉइंटर सेट किए। अब देखिए यहाँ पे अप्रोच क्या फॉलो कर रहे हैं कि हम क्यू को चेक करेंगे कि वाइल क्यू इज नॉट इक्वल टू नल, अगर क्यू नल ना हो और क्यू का नेक्स्ट नल ना हो, ठीक है, q इज नॉट इक्वल टू नल एंड q नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो हम क्या करेंगे कि p को p नेक्स्ट कर देंगे, p को हम आगे बढ़ा देंगे यहां, ठीक है। तो p को हम करेंगे p नेक्स्ट और q को कर देंगे q नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट, मींस q को टू टाइम्स आगे बढ़ाएंगे, तो q नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट मींस q कहां आ जाएगा, यहां। फिर चेक करेंगे कि वाइल क्यू इज नॉट इक्वल टू नल एंड, है ना, क्यू इज नॉट इक्वल टू नल, तो क्यू जब नल नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि पी को हम आगे बढ़ा देंगे, तो पी कहाँ आ जाएगा हमारा, पी यहाँ आ जाएगा दिस पर्टिकुलर प्लेस, और क्यू कहाँ आ जाएगा, क्यू नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट मीन्स क्यू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मीन्स इफ यू आर ऑब्जर्विंग देन पी को हम वन टाइम मूव कर रहे हैं, पी इज मूविंग वन वॉट वन नोड वाइल क्यू टू नोड्स, क्यू कितना मूव हो रहा है, टू नोड्स। नाउ नेक्स्ट टाइम ये हमारा यहां पे क्या आया, दिस इज क्यू नॉट पी, दिस इज क्यू, ओके। नाउ नेक्स्ट टाइम क्यू इज नॉट नल, सो वॉट पी को हम पॉइंटर बढ़ाएंगे आगे, सो पी इक्वल टू दिस एंड क्यू इक्वल टू क्यू नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट, तो क्यू नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट मीन्स क्यू विल कम हेयर, ओके। नाउ नेक्स्ट टाइम क्यू इज नॉट इक्वल टू नल, ओके, क्यू इज नॉट इक्वल टू नल, तो फिर क्या होगा कि पी को हम कहां बढ़ाएंगे, पी को हम आगे बढ़ाएंगे, सो पी इज दिस एंड क्यू इज वॉट, क्यू नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट, तो क्यू नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट क्या है, नल, सो क्यू कहां पॉइंट करेगा, क्यू विल बिकम नल एट द लास्ट, और क्यू नल हो गया तो फाइनली लूप हमारा खत्म हो गया। अब अगर हम ऑब्जर्व करें केयरफुली तो लूप हमारा फिनिश हो गया है, तो ये एक्चुअल ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे इसमें, अगर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट होते तो एग्जैक्टली आता, है ना, मतलब इवन थे इसमें, ऑड होते तो एग्जैक्टली मिडिल मिलता हमें, ठीक है। सो इन दैट केस व्हाट विल बी द मिडिल, मिडिल इज व्हाट, मिडिल इज पॉइंटेड बाय पी, तो हमें रिटर्न क्या करना है, फाइनली पी रिटर्न करना है, ठीक है। तो इट इज वेरी सिंपल, है ना, सो आई होप दैट दिस इज क्लियर। यहां हम क्या चेक कर रहे हैं, यहां हम चेक कर रहे हैं कि व्हाइल q is not equal to what, null, और फाइनली हम रिटर्न किसको करेंगे, रिटर्न करेंगे p को, बिकॉज p इज द मिडिल एलिमेंट, मिडिल, है ना, मिडिल व्हाट, लोकेशन ऑफ द मिडिल एलिमेंट, ओके। सो नाउ चेक इट, सो दिस इज सिमिलर टू दैट, s हमें लिस्ट दिया हुआ है, p q को हमने s पे पॉइंट कराया, while q is not equal to null, q null नहीं है, q next is not equal to null and q next of next is not equal to null, ठीक है। मीन्स हम तीन स्टेप देख रहे हैं पिछले स्टेप पे खड़े होकर, तो हेयर इट इज वॉट, q next इज नॉट इक्वल टू नल एंड वॉट, q next इज नॉट इक्वल टू नल एंड q next of next इज नॉट इक्वल टू नल, तो तीन स्टेप्स देख रहे हैं, देन वी आर मूविंग, तो यहां q इज नॉट इक्वल टू नल, q नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल एंड q नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ओके। तो हम p को p नेक्स्ट कर रहे हैं और q को q नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट कर रहे हैं, ओके, दिस विल फॉलो लाइक दिस, और फाइनली हम रिटर्न किसको करेंगे, रिटर्न करेंगे p को, तो ये हमने विद इन वन स्कैन जो है ये रिटर्न करेंगे p को, तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, रिटर्न टाइप हियर इट इज नॉट रिटर्न, सो द रिटर्न टाइप इज स्ट्रक्ट नोड स्टार, ओके। सो दिस इज योर मिड फंक्शन विच विल एग्जीक्यूट, विच विल गिव्स यू द लोकेशन ऑफ द मिडिल एलिमेंट, ओके, पॉइंटेड टू द लोकेशन ऑफ द मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट विद इन वन स्कैन, ओके। सो दिस अल्टीमेटली दिस वी आर कंप्यूटिंग वॉट मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट, मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट विद इन one scan, so it is very important within one scan, so middle of the linked list within one scan we are getting, तो हमने q p और q pointer set किए और q को हमने पहले
क्यू देखा, क्यू इज नॉट इक्वल टू नल मीन्स क्यू एम्प्टी तो नहीं है, क्यू का नेक्स्ट एम्प्टी तो नहीं है और क्यू के नेक्स्ट का नेक्स्ट मीन्स हम करेंट नोड पर खड़े होके थर्ड नोड पर देख रहे हैं ना, फर्स्ट नोड पर खड़े होके थर्ड नोड तक चेक कर रहे हैं ना, तो इफ इट इज नॉट नल देन है ना वी आर कटिंग. सो लाइक दिस, सो दिस इज सिमिलर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू. ओके लाइक दिस. ओके नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, राइट अ प्रोग्राम टू सर्च एन एलिमेंट एक्स, एक एलिमेंट एक्स सर्च करना यूजिंग बाइनरी सर्च इन द गिवन लिंक लिस्ट. सो इट इज वेरी सिंपल ना, तो हमें बाइनरी सर्च परफॉर्म करना है, एक एलिमेंट हमें एक्स फाइंड करना है कि वेदर इट इज अवेलेबल इन द गिवन लिंक लिस्ट और नॉट. तो बाइनरी सर्च बेसिकली हमारा सॉर्टेड लिस्ट जब होती है, सॉर्टेड लिस्ट है ना, बाइनरी सर्च इज एप्लीकेबल, बाइनरी सर्च तो ये एप्लीकेबल होता है, इट इज एप्लीकेबल एप्लीकेबल ओनली लिस्ट इज सॉर्टेड, इफ लिस्ट इज सॉर्टेड देन वी कैन परफॉर्म बाइनरी सर्च, अदरवाइज लीनियर सर्च इज एप्लीकेबल, अदरवाइज लीनियर सर्च, otherwise linear search. okay, so we are assuming that the link list is sorted. to dekhiye kis tarike se perform karenge hum, it is very simple program. so basically this is a recursive program. to hum isko kis tarike se sort out karenge, jaise ye ek list given hai, theek hai, ye let us suppose ye a hai, ye b hai, ये सी है या फिर ये एक्स है, ठीक है, दिस इज एक्स, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, देन दिस इज डी, देन ई, देन एफ, देन जी, लाइक दिस, दिस इज नल. ओके दिस इज द लिस्ट की बात. तो हम पहले बाइनरी सर्च कॉल करेंगे इस एस के लिए और कॉमा एक्स के लिए. सो बाइनरी सर्च परफॉर्म करना है हमें, एस लिस्ट गिवन है और एक्स पर्टिकुलर एलिमेंट है जो सर्च करना है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक पॉइंटर लिया बिकॉज अल्टीमेटली एड्रेस पर ही डील कर रहे हैं. लेट अस सपोज एनी वैल्यू स्टार आर, और आर को हमने सबसे पहले मिडिल फाइंड करेंगे इसका, तो मिडिल किसका फाइंड करेंगे, एस का, ठीक है. तो एस का मिडिल फाइंड करेंगे, एस मीन्स स्टार्टिंग ऑफ द है ना, और ये एस का मिडिल फाइंड करेंगे, ठीक है. तो एस का हमने जब मिडिल फाइंड किया, तो मिडिल हमारे केस में यहाँ आर कितना आएगा, यहाँ हमारे केस में नोड कौन सा मिलेगा हमें, सो वी विल गेट व्हाट, दिस एज आर, सो दिस एज आर. ओके नाउ अब हम चेक करेंगे कि इफ आर डेटा जो है, आर डेटा अगर ग्रेटर है एक्स से, अगर आर डेटा हमारा ग्रेटर है एक्स से, आर डेटा क्या है, डी, ठीक है, तो डी हमारा क्या है, डी इसमें है ना, आर डेटा हमारा ग्रेटर है एक्स से, तो ग्रेटर नहीं है मतलब हमारा डेटा कहाँ है, लेफ्ट साइड में है, ठीक है, लेफ्ट साइड में है, तो मीन्स आर डेटा क्या है, आर डेटा डेफिनेटली जो हमें जो सर्च करना है एलिमेंट है ना, दैट एलिमेंट इज व्हाट, लेस, लेस है मीन्स ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई, आर डेटा जो है वो बड़ा है इससे, तो हमें कहाँ सर्च करना है, हमारा हाफ पार्ट में सर्च करना है. तो हम बाइनरी सर्च स्टार्ट, अच्छा इसमें फिर क्या करेंगे फर्दर, फिर यहाँ पे जो आर का नेक्स्ट है वो नेक्स्ट क्या कर देंगे, हम नल कर देंगे, मीन्स हमें अब इसका राइट साइड में हमें सर्च नहीं करना है, हमें कितने पर सर्च करना है, इतने पर सर्च करना है, तो ये हमने क्या कर दिया, नल कर दिया, ठीक है. और फिर हमने बाइनरी सर्च कॉल किया एस कॉमा एक्स के लिए अगेन, है ना, बट लेट अस सपोज अगर ये कंडीशन ना होती, ये कंडीशन ना होने का मतलब आर का जो डेटा है वो अगर स्मॉलर होता है एक्स से, है ना, तो उस केस में राइट साइड में सर्च करना पड़ता, तो फिर हमें यहाँ पे कुछ और सेटिंग करना पड़ती कि स्टार्ट हमें कहाँ से करना पड़ता, स्टार्ट हमें करना पड़ता व्हाट, आर नेक्स्ट से, तो आर जो नेक्स्ट है वहां हम एस को पॉइंट करा देते और फिर हम बाइनरी सर्च कॉल करते फॉर एस कॉमा एक्स लाइक दिस, ठीक है, तो और लाइक दिस, है ना. तो फाइनली हम कह सकते हैं फिर इसको है ना फर्दर डिकम्पोज करते हाफ एंड हाफ में, तो दिस वे बाइनरी सर्च विल वर्क, है ना. तो बाइनरी, तो अल्टीमेटली जस्ट एज ऑफ नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक
है ना, थीम ऑफ बाइनरी सर्च. सो लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, ऑल दीज एल्गोरिदम्स वी विल सी इन डिटेल, है ना, एट द टाइम ऑफ व्हाट एल्गोरिदम, ओके, एट द टाइम ऑफ डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम. ओके, सो आई होप दैट दिस बेसिक थिंग इज क्लियर टू यू हाउ वी आर डूइंग, है ना. तो यू कैन से बाइनरी सर्च इज सिमिलर टू सर्चिंग इन अ डिक्शनरी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सपोज कोई वर्ड डिक्शनरी में सर्च करना है तो आप क्या करेंगे, रैंडमली उस डिक्शनरी के मिडिल पे जाएंगे, फिर आप मिडिल से अपने वर्ड का फर्स्ट लेटर चेक करेंगे. अगर आपके वर्ड का फर्स्ट लेटर मिडिल वाले जो लेटर है उससे लेस आ रहा है तो आपका सर्च कहाँ रह गया, अब हाफ रह गया, ठीक है, तो आप हाफ लेफ्ट साइड में सर्च करेंगे. या फिर आप, अगर आपका बड़ा होता लेटर आपका, है ना, अल्फाबेटिकली, तो आप राइट साइड में सर्च करते, फिर जो रिमेनिंग पार्ट है उसका फिर मिड निकालेंगे, फिर सर्च करेंगे, लेफ्ट या राइट में जाएंगे. तो इस तरीके से हमारा सॉर्टिंग रिड्यूस होता जा रहा है, ठीक है, लिस्ट जो है या वोकेबलरी का जो वो है हमारा, वो रिड्यूस होता जा रहा है. सो दैट काइंड ऑफ सर्चिंग इज नथिंग बट बाइनरी सर्च. बट बाइनरी सर्च कब एप्लीकेबल है, व्हेन द लिस्ट इज सॉर्टेड, बिकॉज अल्फाबेटिकली हमारी डिक्शनरी में सारा सॉर्टेड वे में लिखा रहता है. दैट्स व्हाई वी आर, है ना, एबल टू डू व्हाट, बाइनरी सर्च. अदरवाइज ओनली द ओनली ऑप्शन इज व्हाट, लीनियर सर्च. ओके, सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू. And now look at the actual algorithm. So what is actual algorithm? So S is the what? Starting address of the list and X what the element which we are supposed to search. So the name is binary search algorithm. So R is a pointer and middle we are calculating and it is suppose R. And if R data double equals to X, then it is very simple. R data agar X hai, to hame रिटर्न कर देना है आर को, क्योंकि हमें वही डेटा मिल गया. बट अगर दो केसेस हो सकते हैं एल्स में, कि अगर आर डेटा हमारा क्या मिला, बड़ा मिला एक्स से, तो हमें क्या करना है, आर के नेक्स्ट को क्या करना है, नल करना है, ओके, एज इट इज, और हमें एस को हमें एक्स के लिए कॉल करना है. और अगर ऐसा नहीं है तो आर का डेटा क्या मिला, हमें लेस मिला, है ना, आर का डेटा हमें जब लेस मिला, एक्स हमारा राइट साइड में, तो हमें कहां से कॉल करना है, आर नेक्स्ट हमें स्टार्टिंग मानना है, एस, दिस इज एस, और हमें एस तक सर्च करना है. ओके, सो दिस इज रिकर्सिव कॉल. ओके, एंड व्हाट, दिस इज नॉट दिस, दिस इज इफ पार्ट एंड दिस इज एल्स पार्ट एंड दिस इज व्हाट, दिस इज बाइनरी सर्च, दिस इज ओवरऑल बाइनरी सर्च. ओके, सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पार्ट अगर हम कंसीडर करें, बेसिकली एल्गोरिथम में डील करते हैं, तो अगर n एलिमेंट्स का प्रॉब्लम है तो हमने उसको क्या किया, t ऑफ n बाई 2 में डिकम्पोज किया, और प्लस जो भी हमें यहाँ टाइम लगा कुछ ब्रेकअप करने में इसका, है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज हेयर इन दिस केस इट इज ऑर्डर ऑफ n टाइम लगा, ठीक है. ऑर्डर ऑफ n क्यों, दिस ऑर्डर ऑफ n इज व्हाट, है ना, अदरवाइज क्या होगा, सो दिस ऑर्डर ऑफ n इज व्हाट, दिस ऑर्डर ऑफ n इज मिडिल सर्चिंग, मिड फंक्शन का जो टाइम लगा, ठीक है. तो ओवरऑल जब मैं इसकी बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर लिंक लिस्ट वी कैन अप्लाई बाइनरी सर्च, बट इट इज व्हाट, नॉट एफिशिएंट. व्हाई इट इज नॉट एफिशिएंट, बिकॉज टू फाइंड द मिडिल एलिमेंट ऑर्डर ऑफ एन टाइम इज रिक्वायर्ड, है ना. सो टाइम रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ एरे इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ 1 इज इनफ. मीन्स यू आर गेटिंग, कि अगर हमारा एरे होता ही सेम, तो एरे में हमें मिडिल फाइंड करने में कितना टाइम लगता, दिस इज एफ, लेट अस सपोज दिस इज एरे, तो एरे में मिड फाइंड करने में जो हमारा टाइम होता, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती कॉन्स्टेंट, ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है. बट अगर ये लिस्ट है, लिस्ट मीन्स लिंक लिस्ट है आपका, ठीक है, तो लिंक लिस्ट के केस में हमारे लिए मिडिल एलिमेंट फाइंड करने में, ठीक है, मिडिल एलिमेंट फाइंड करने में हमें जो टाइम लग रहा है मिड एलिमेंट फाइंड करने में, सो दैट टाइम इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग रहा है. ओके, सो दैट्स व्हाई अगर हमें मिड या बाइनरी सर्च हमें करना है तो कहाँ प्रॉपरली, है ना, एप्लीकेबल हो या सही होगा बाइनरी सर्च करना, व्हेन द डेटा स्ट्रक्चर इज व्हाट, एरे डेटा स्ट्रक्चर. ओके, बट रिमेंबर एरे एंड लिंक लिस्ट बोथ आर हैविंग देयर ओन एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस. मीन्स एडवांटेजेस इन टर्म, जैसे आपको मिडिल एलिमेंट सर्च करना था तो आप सीधा इंडेक्सिंग अवेलेबल है, आप मिड पे जाएंगे डायरेक्टली, या साइज डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, मिड मिल जाएगा आपको एरे के केस में, है ना. और लिंक लिस्ट के केस में हमें ओवरऑल सर्च करना पड़ेगा, तब जाके हम मिड फाइंड कर पाएंगे, इधर 2 स्कैन और इन 1 स्कैन, बट ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा. बट अगर हम और अदर परस्पेक्टिव से बात करें, तो एरे जो है
एरे का डिसएडवांटेज क्या है कि वो कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन लेता है. अगर बहुत लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर करना है तो एरे प्रेफरेबल नहीं है, बट लिंक लिस्ट इज प्रेफरेबल बिकॉज लिंक लिस्ट आपका कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन नहीं लेता है ना, रैंडम लोकेशन लेता है. एक नोड कहीं हो सकता है, दूसरा नोड कहीं हो सकता है, तो मेमोरी में जहां फ्लेक्सिबल स्पेस अवेलेबल है वहां हम स्टोर कर सकते हैं. सो मीन्स वी कैनॉट ऑलवेज से दैट अ सिंगल डेटा स्ट्रक्चर इज प्रेफरेबल इन ऑल द रियल टाइम प्रॉब्लम्स और रियल सिचुएशंस, है ना. इट डिपेंड्स अपॉन द नीड, ओके, वॉट एवर द अवेलेबिलिटी ऑफ वॉट सर्कमस्टांसिस और सिस्टम अवेलेबिलिटी, resources availability as well as the problem, you know, in hand. Okay, so I hope that this is clear to you, binary search. Okay, so here what binary search, this is the binary search. Now one question, so question is that ki C, following C program takes a singly linked list or single linked list as input argument and it modifies the list by moving the first last element to the front of the list and return the list. Okay, some part of the code left blank, find out that. Okay, तो इसमें question हमारा ये है, ये हमारा definition दी हुई है struct node की. ये type def लिखने से ये होगा कि हमें again repeated mode में struct node लिखने की जरूरत नहीं है. Struct node को किससे replace कर दिया है, node से. तो अगर मैं कहूंगा node A या node B तो मेरा node means ही overall result ही आएगा, ठीक है. तो इसमें क्या करना है, एक सी प्रोग्राम गिवन है, दिस इज गिवन, इसमें आपको हेड दिया हुआ है. हेड मींस आपको लिस्ट का हेड पार्ट मींस फ्रंट, है ना, फ्रंट का एड्रेस दिया हुआ है. फ्रंट मींस फर्स्ट नोड का एड्रेस. और आपको क्या करना है यहाँ पे, क्वेश्चन इज गिवन दैट लास्ट मॉडिफाई करेगा ये लिस्ट को बाय मूविंग द लास्ट एलिमेंट टू द फ्रंट ऑफ द लिस्ट. लास्ट को फर्स्ट पे मूव कर देने का, है ना. तो इसमें कुछ पार्ट ब्लैंक छूटा गया है यहाँ पे, तो यहाँ क्या आएगा, दिस इज अवर क्वेश्चन, ठीक है. Now let us see. So for example, let us suppose that this is our list. This is head node, head. Okay, A. Observe very carefully. This is B. This is C. This is D. And this is what E. And this is what null part. Okay. Now हमको क्या करना है? So our task is what? Task in hand क्या है? Task क्या है हमारा? टास्क है कि लास्ट नोड को, है ना, मूव लास्ट नोड टू द फर्स्ट, मूव लास्ट नोड टू फर्स्ट. ओके, तो हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं व्हाट विल हैपन. सबसे पहले पी और क्यू दो पॉइंटर्स लिए यहां पे, और फिर हेड इक्वल टू नल और हेड नेक्स्ट डबल इक्वल टू नल अगर है तो रिटर्न कर देना हेड को. तो हेड नल है क्या, नहीं. हेड नेक्स्ट मीन्स दिस पॉइंट, दिस नोड इज ऑल्सो नॉट नल, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा. फिर क्यू को नल पे और पी को हेड पे पॉइंट कराएंगे हम. तो पी हमारा कहाँ पॉइंट करेगा, पी यहाँ पॉइंट करेगा, और क्यू कहाँ पॉइंट करेगा, इनिशियली क्यू करेगा नल पे पॉइंट, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, व्हाइल पी नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, पी नेक्स्ट मीन्स दिस पार्ट, दिस इज नॉट इक्वल टू नल, तो हमें क्या करना है कि Q करेगा P को फॉलो और P आगे जाएगा, P इक्वल टू P नेक्स्ट. तो यहां पे Q करेगा P को फॉलो, तो Q आ जाएगा मेरा यहां पे, Q आ जाएगा यहां पे और P मूव हो जाएगा आगे, ठीक है. ये तो अब Q कहां नहीं रहा, नल पे नहीं रहा. फिर नेक्स्ट टाइम व्हाट, P नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो P नेक्स्ट मीन्स है अभी, है ना, C. तो क्या होगा, Q करेगा इसको फॉलो दिस पार्ट एंड P कहां चला जाएगा, P चला जाएगा आगे. फिर p next is not equal to null, yes, तो यहां पे q करेगा इसको फॉलो और p मूव हो जाएगा p next. Now next time p next is not equal to null, yes, not equal to null, it is e, है ना, node है वहां पे. तो q करेगा कहां, p को फॉलो, तो q आ जाएगा यहां पे, ठीक है, और p चला जाएगा p equal to p next. फिर नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, पी नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, सो पी नेक्स्ट इज डेफिनेटली, पी नेक्स्ट इज नल, तो कंडीशन क्या हुई, फॉल्स. अब फॉल्स हुई, ऑब्जर्व केयरफुली, वेरी केयरफुली, फॉल्स हुई तो हम इस लूप से बाहर आए. अब इस लूप से बाहर आके हमको करना क्या है कि हमें ये जो है इसको हमें हेड नोड बनाना है, मीन्स फर्स्ट नोड इसको मूव करके पहले प्लेस पे ले जाना है. तो सिंपली लिंकिंग करना है. तो अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं केयरफुली तो सबसे पहले तो जो क्यू नेक्स्ट है यहाँ पे, क्यू नेक्स्ट ये लास्ट नोड करना है तो ये क्या करना पड़ेगा, नल. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि क्यू नेक्स्ट
इक्वल टू कर देता हूं नल, ठीक है। तो क्यू नेक्स्ट जब नल कर दूंगा तो यहां जब नल किया तो ये लिंक ब्रेक हो गया, ठीक है, ये लास्ट नोड हो गया। अब इसको फर्स्ट नोड बनाना है तो इसका एड्रेस मेरे पास ऑलरेडी है, क्या है, पी। तो यहां पी को कहां मैं ले जाऊं, पी जहां मतलब हेड जहां पॉइंट कर रहा है, ठीक है, या फिर पी के नेक्स्ट में क्या डाल दूं, मैं हेड डाल दूं। तो पी नेक्स्ट इक्वल टू हेड, पी नेक्स्ट इक्वल टू हेड। तो पी नेक्स्ट मीन्स दिस प्लेस, दिस प्लेस पे हेड आ जाएगा। तो ये यहां पे ये कहां पॉइंट करने लगेगा, दिस विल पॉइंट टू दिस लोकेशन, ओके। और अब हेड नोड ये नहीं रहा, हेड नोड कहां जाना चाहिए, पी पे जाना चाहिए, है ना। तो हेड मूव हो जाएगा आपका पी पे। तो यहां हेड में मैं क्या असाइन कर दूंगा, आई विल असाइन पी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, नाउ दिस विल बी अ हेड ऑफ द लिस्ट। अब देखिए फर्स्ट नोड कहां से स्टार्ट होगा आपका, ई, फिर ई के बाद ए बी सी डी। तो फाइनली जो आपकी लिंक लिस्ट आई, मॉडिफाइड लिंक लिस्ट, ठीक है, आफ्टर दिस कोड, तो फाइनल जो लिंक लिस्ट आई आपकी, दैट विल बी व्हाट, ई देन ए देन बी एंड देन आफ्टर दैट सी एंड देन व्हाट डी एंड लास्ट इज व्हाट, लास्ट इज नल। सो दिस इज अवर आउटपुट, दिस इज हेड, सो बाय यूजिंग दिस कोड, है ना। सो व्हाट विल बी द आंसर इन दैट कोर्स, सो द लेफ्ट ब्लैंक पार्ट इज क्यू नेक्स्ट नल पी नेक्स्ट हेड Q next null, तो यहां क्या आएगा, दिस पार्ट विल बी फिल्ड by Q next इक्वल टू null एंड P next इक्वल टू head एंड what P इक्वल टू not P head इक्वल टू P, सो इट इज head इक्वल्स टू P, सो दिस इज द पार्ट विच वी आर सपोज टू place in the, you know, left blank part. Okay, so I hope that this is clear to you. Now move to next, write a program to reverse the given linked list. So ultimately reversal of the given linked list. So let us suppose here a linked list is given to you. Linked list is given to you like A, B, C, D, E and F. D, E and F, and for example let us suppose G, and this is null part, okay. So this is the starting or head of the linked list, so S or head, whatever. Now क्या करना है हमको, हमको reverse करना है इस linked list को, ठीक है। reverse करने का मतलब है कि start मेरा कहां से हो जाएगा, यहां G से, और फिर G के बाद ये link reverse करना है ना। तो फाइनल आउटपुट मेरा क्या आना चाहिए, फाइनल आउटपुट भी इस तरीके का रहेगा कि, ठीक है, यहां ए रहेगा और लेट अस सपोज कि यहां ए है और ये मेरा हो जाएगा नल, देन रिवर्सल हो जाएगा इसका, ठीक है। देन ये बी होगा, देन ये सी होगा, then this is what, this is D, then this is what, after D it is E, then this is what, G, and this is what, so E, F and G, so this is F and this is G, okay, this is F and this part is what, G, and starting is what, this will become what, this node, last node will become your starting. So like this, okay. तो देखिए क्या करना है, इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहां मैं एक रैंडम लोकेशन ले लेता हूं, मैं तीन पॉइंटर्स मैं यहां लेता हूं, ठीक है। जैसे मैंने तीन पॉइंटर्स लिए, लेट अस सपोज एक पॉइंटर यहां है R, यहां है Q और यहां है लेट अस सपोज P, P Q R, तीन पॉइंटर्स, ठीक है, जिनको मैंने तीन प्लेसेस पे यहां फिक्स किया हुआ है। तो मैं अब लिंक अगर मुझे एड ऑन करना है तो मैं क्या करूंगा, ये जो क्यू का नेक्स्ट पार्ट है, क्यू का नेक्स्ट पार्ट वहां क्या डाल दू, आर। गेटिंग माई पॉइंट, क्यू का नेक्स्ट पार्ट में अगर मैं आर डाल देता हूं, तो देखिए क्यू नेक्स्ट में अगर मैं आर पुट ऑन कर देता हूं तो क्या होगा कि ये कहां पॉइंट करने लगेगा, यहां पे। फिर मैं क्या करूंगा, इनको आगे बढ़ाऊंगा, तो क्या कहां कैसे बढ़ाऊंगा,
कि क्यू को फॉलो करेगा कौन, क्यू विल बी फॉलोड बाय ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, है ना, ये मैंने किया यहां पे। फिर इसके बाद क्या किया, क्यू विल बी फॉलोड बाय व्हाट, सॉरी क्यू इज नॉट, आर विल बी फॉलोड बाय क्यू, तो मीन्स आर कहां आ जाएगा, क्यू के प्लेस पे आ जाएगा, यहां आ गया। क्यू कहां चला जाएगा, पी के प्लेस पे, है ना, तो क्यू विल बी फॉलोड बाय पी, और पी विल मूव टू नेक्स्ट, सो पी इक्वल टू पी नेक्स्ट, पी इक्वल टू पी नेक्स्ट, ठीक है, p इक्वल टू पी नेक्स्ट, तो यहां आ गया p हमारा, ठीक है। फिर फाइनली फिर हम क्या करेंगे यहां पे, कि यहां पे हमें चेंज करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे अगेन, फिर q नेक्स्ट में क्या डाल देंगे, r डाल देंगे, ठीक है, तो q नेक्स्ट कहां है ये, तो यहां क्या डाल दिया मैंने, r, तो ये लिंक चेंज हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम ये कब तक हमें रन करेंगे, जब तक हम जो है p हमारा कहां ना पहुंच जाए, p हमारा नल ना हो जाए, ठीक है, so this part will be executed again and again repeated mode में, okay, this part will be executed, this part, okay, executes in repeated mode, executes in repeated mode till last node reaches, है ना, जब तक last node तक नहीं पहुंच जाते, reach, okay, so this is very simple part. Now see, S is a what, starting of the node, P, Q are three pointers, Q and R null किए, P को कहाँ point किया, S पे, ठीक है, फिर further हम कब तक पहुंचना है, जब तक P null ना हो जाए, ठीक है, तो मैंने बताया last node जब तक null ना हो जाए, फिर क्या करना है, जैसे ही अगर P null नहीं है, तो R कहाँ follow किए करेगा, Q पे, Q follow करेगा P पे, P follow करेगा P next, this part, ओके, और क्यू नेक्स्ट, लास्ट नोड का लिंक हम चेंज कर देंगे, तो लास्ट नोड मींस क्यू जहां पॉइंट कर रहा था, तो क्यू का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो कहां पॉइंट कर लेगा, आर, आर पे पॉइंट कर लेगा, प्रीवियस पे, ठीक है, सो लाइक दिस, कि ये आर है, ये आपका क्यू है, और ये आपका पी है, ठीक है, इनिशियली जो है आपका किस तरीके से पॉइंट हो रहा था, ये पॉइंट हो रहा था इस तरीके से, फिर आपने क्या किया इसको, कि Q नेक्स्ट में इस प्लेस पे यहां डाल दिया, ठीक है, तो ये यहां से लिंक इसका खत्म कर दिया, ठीक है, फिर इस तरीके से आप आगे करते हैं, मतलब लास्ट नोड को करना है, ठीक है, ये जब कंप्लीट हो जाएगा फाइनली, फिर आप कहां पहुंच जाएंगे, S इक्वल्स टू Q करेंगे एट लास्ट, S इक्वल्स टू Q मीन्स S कहां पॉइंट करेगा, स्टार्टिंग जहां आपका Q पॉइंट कर रहा है, बिकॉज Q आपका लास्ट नोड पर पहुंच जाएगा स्टिल, है ना, तो फाइनली इस तरीके से अगर हम ऑब्जर्व करें तो कुछ इस तरीके के लिंक्स हो जाएंगे, कि ए बी सी, मैं लास्ट सिचुएशन ऑब्जर्व करा देता हूं आपको, है ना, फील करा देता हूं, सी डी एंड लेट अस सपोज दिस इज ई एंड दिस इज नल, ओके, सो एट लास्ट व्हाट विल हैपन, एट लास्ट P will become null and, है ना, P will become null and Q is here, R is here, और ये सारी links क्या हो चुकी होंगी, ये सारी links change हो चुकी होंगी, ठीक है, ये सारी links already change हो चुकी हैं, ठीक है, ये सारी links change हो चुकी हैं, ठीक है, ये यहाँ पे finally आपने क्या करना है, कि जहां Q point कर रहा है, क्योंकि R तो हमारा first node होगा नहीं, तो Q जहां पॉइंट कर रहा है वहां S को पॉइंट करा देना है, तो S इनिशियली कहां था, S यहां था, तो यहां से कट होके यहां आ जाएगा S, ठीक है, दिस विल बिकम योर S एंड रिटर्न कर देंगे S को, तो देखिए लिंक लिस्ट हमारा जो है, सो ये फाइनली ये जो हुआ ये रिवर्स हो गया, है ना, रिवर्सल ऑफ लिंक लिस्ट, तो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू, दिस इज सिंपल रिवर्सल, है ना, तो रिवर्सल करने के लिए लिंक लिस्ट का थ्री पॉइंटर्स आर रिक्वायर्ड, ओके, विच विल साइमल्टेनियसली मूव, है ना, सो फॉर रिवर्सल ऑफ अ लिंक लिस्ट मिनिमम थ्री पॉइंटर्स आर रिक्वायर्ड, ओके, एंड द एवर प्रोग्राम इज टेकन ओनली वन स्कैन वी आर डूइंग द सेम, एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज व्हाट, सो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, बिकॉज इफ एन एलिमेंट्स आर देयर इन द लिस्ट देन इट विल टेक अ मैक्सिमम ऑफ ऑर्डर ऑफ एन टाइम, ओके, नाउ
write a program to sort the given linked list. So it is also very important technique, you know, sorting and searching. So these are, you know, main processes, or we can say what main techniques of computer science, you know. So sorting as well as searching, because anyhow we are supposed to search in a particular what database or any value, you know, so whatever. And sorting is also required while solving a real world problem. So in between, any time sorting is required, searching is also required, you know. So these are very important techniques, you know. So there are a lot many searching and sorting techniques. So those we will see definitely in what algorithm part or design analysis algorithm, you know. So that will be seen in that part. Now, as of now, just in perspective of linked list, so we are going to discuss the sorting, you know, and I will show you that which type of sorting it is, whatever we are doing. Okay, so for the sorting purpose, let us take one linked list. So I am taking a linked list. Let us suppose it is suppose 50. Okay, then 40, then 30, then 20, and then after that 10, and this is what null part. So this is our starting node address. Okay, this is a given, you know, linked list. तो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें सॉर्टिंग करना है. तो सॉर्टिंग करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, मैं यहाँ दो पॉइंटर्स ले रहा हूँ, ठीक है. मैंने यहाँ दो पॉइंटर्स लिए, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, स्ट्रक्ट नोड टाइप के मैंने दो पॉइंटर्स लिए. एक तो मैंने लिया स्टार पी और एक लिया स्टार क्यू, और पी को मैंने एस पे सेट कर दिया इनिशियली. पी को मैंने यहाँ सेट कर दिया, एस टू एज इट इज रहेगा. मैं पी और क्यू पॉइंटर्स की हेल्प से इन सारे एलिमेंट्स को सॉर्ट करता हूँ. फिर मैंने एक लूप रन किया कि वाइल व्हाट पी इज नॉट इक्वल टू व्हाट नल, पी नल ना हो जाए ना, तो पी इज नॉट नल करेंटली. तो फिर एक पॉइंटर मैं आगे सेट किया यहां पे क्यू, और क्यू को मैं आगे मूव करूंगा और क्यू और पी की वैल्यूज को स्वैप करते जाऊंगा. तो यहां मैं एक लूप रन कर रहा हूं फॉर क्यू, और क्यू कहां से स्टार्ट किया है, क्यू मैंने स्टार्ट किया है पी नेक्स्ट से. और वाइल क्यू इज नॉट इक्वल टू वॉट नल, एंड ईच एंड एवरी टाइम क्यू इक्वल टू क्यू नेक्स्ट, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली. और ये अगर ये फर्स्ट टाइम जब मैं गया तो मैं यहाँ कंडीशन चेक करूंगा कि इफ वॉट पी डेटा इज वॉट ग्रेटर देन क्यू डेटा, पी डेटा क्यू डेटा से बड़ा होता है, तो डेफिनेटली मुझे क्या करना है, मुझे स्वैप करना है. किस किस को स्वैप करना है, पी डेटा को और Q डेटा को. तो P डेटा कॉमा Q डेटा को मैं क्या करूंगा, स्वैप करूंगा. और अगर ऐसा नहीं है तो नो प्रॉब्लम, है ना. तो ये फॉर लूप हुआ, और इसके बाद फिर वाइल लूप में जाने के पहले P को मुझे क्या करना पड़ेगा, P को आगे बढ़ाना पड़ेगा. तो P नेक्स्ट एंड देन दिस वाइल लूप. नाउ ऑब्जर्व वेरी वेरी केयरफुली, है ना, दिस कोड. तो व्हाट दिस कोड इज डूइंग, ओके, सो इन दिस कोड ऑब्जर्व वेरी केयरफुली. सबसे पहले यहाँ P सेट किया दिस लाइन, है ना, while p is not equal to null, okay, condition true, so condition true, तो q को कहाँ सेट किया, यहाँ. अब p q को यहाँ सेट किया p next पे. फिर p data greater than q data है, yes, p data greater than q data है, तो हमें p data और q data को क्या कर दिया, swap कर दिया. तो p data और q data को swap किया, तो यहाँ आ जाएगा 40 और यहाँ आ जाएगा आपका 50. now next, फिर after that again go to loop, है ना, लूप पे जाएंगे. तो लूप में क्या है, क्यू इक्वल टू क्यू नेक्स्ट, तो क्यू कहाँ चला जाएगा, क्यू आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है. तो क्यू आ जाएगा यहाँ. फिर इसके बाद क्यू इज नॉट इक्वल टू नल, यस, पी डेटा ग्रेटर देन क्यू डेटा है, यस, पी डेटा ग्रेटर देन क्यू डेटा है, यस, डेफिनेटली. तो पी डेटा और क्यू डेटा क्या हो जाएंगे, स्वैप. तो यहाँ आ जाएगा 30 और यहाँ आ जाएगा आपका 40. देन अगेन क्यू इक्वल टू क्यू नेक्स्ट, सो क्यू विल कम हेयर. देन क्यू इज नॉट नल, yes, not null, p data greater than q data, yes, 30 is greater than 20, so these values will be swapped. So here 20 will come and here 30 will come. Again q equal to q next, so q will come here, and q is not equal to null, yes, definitely, and p data greater than q data, yes, it is 20, it is 10, so this 20 is replaced with 10 and this 10 is replaced with what, 20, so it is swapped. Now next time q equal to q next, so q is what, q finally become null. Now q is not equal to null, condition false outside.
P इक्वल टू P next, तो हमारा P फाइनली मूव होके कहाँ आ जाएगा, P आ जाएगा हमारा यहाँ। तो देखिए अगर एक स्कैन में वन स्कैन है ना, इन वन स्कैन, तो इन वन स्कैन जो एंटायर लिस्ट में मिनिमम एलिमेंट था वो हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका है, ठीक है। फिर फर्दर हम जब जाएंगे P की वैल्यू नल नहीं है, तो P फिर P यहाँ सेट है, Q अगला सेट करेंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट है ना। सो दिस इज व्हाट, दिस इज सिलेक्शन सॉर्ट, वी आर सिलेक्टिंग द फर्स्ट एलिमेंट, फाइंडिंग द मिनिमम इन द रिमेनिंग लिस्ट एंड व्हाट प्लेसिंग इट टू द फर्स्ट वेरी फर्स्ट पार्ट है ना, वेरी फर्स्ट प्लेस। सो दिस इज व्हाट, दिस इज सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। सो नाउ ऑब्जर्व दिस, this is the program. So link, so this list is given, starting address is s, p and q two pointers we assume, starting mein hai na p kahan point karega, s pe hai na, and while p is not equal to null, of course for q is equals to p next, q is not equal to null, q equal to q next, if p data greater than q data then swap p data and q data. So after the execution of this entire for loop just hai na move p to the next node, so p equal to next and again do the same thing. And finally, after the overall loop is over, so return s. So the s will contain what? What s will contain what? S will contain your sorted data. So this will sort. This will sort the given link list. The given link list. What in ascending order? इन असेंडिंग ऑर्डर, और स्पेसिफिकली ये जो एल्गोरिथम है, दिस वी आर सिलेक्टिंग, सो दिस इज व्हाट, दिस इज नोन एज व्हाट, सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम, बिकॉज वी आर सिलेक्टिंग एंड है ना डूइंग अगेन एंड, सो मीन्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ बताता हूँ मैं, तो इन द एवर एल्गोरिथम और एवर प्रोग्राम, एवरी पास मिनिमम एलिमेंट विल कम टू द फर्स्ट प्लेस, हर एक पास में, फर्स्ट पास में मिनिमम एलिमेंट आया तो मिनिमम एलिमेंट फाइंड करने के लिए कितना लगा, ऑर्डर ऑफ एन टाइम, और इस तरीके से नंबर ऑफ पासेस टोटल कितने होंगे, एन, ठीक है। तो ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस एल्गोरिथम का, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ व्हाट, एन स्क्वायर, एन इनटू ओवरऑल एन मल्टीप्लाइड बाई एन, सो एन मल्टीप्लाइड बाई एन मीन्स एन स्क्वायर। So the time complexity for this algorithm, selection sort, is going to be, worst case time complexity is order of n square, because at the very first pass we are supposed to find minimum element, so minimum element finding will take order of n time, and there are such n passes, that's why n into n, this means n square time complexity. Okay, so now one question is there, so observe very carefully. So this is a structure given, so structure name is what, item, struct item, and so the two part, data and next field obviously, and this is a function which will return integer, na integer, this is return type f, struct item star p, this is taking and what starting node of the start address of the starting node of a linked list and return something. Observe carefully, so here this condition one, and this or, then this condition and here, and this or, and again this entire condition, this entire condition. Okay, so three conditions are there, or inke beech mein kya hai, or operation. So question means ye kya return karega, the for the given linked list p, agar linked list p given hai, p means starting linked list ka address, the function f return 1, ये रिटर्न करेगा वन, कब रिटर्न करेगा वन, बट गारंटेडली वन रिटर्न करना चाहिए, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, ओके, गारंटेडली इसको क्या रिटर्न करना चाहिए, वन रिटर्न करना चाहिए। तो मैं फर्स्ट केस अज्यूम करता हूं कि लेट अस सपोज पी इज गिवन, ठीक है, पी इज गिवन बट नो लिंक लिस्ट गिवन, लिंक लिस्ट नॉट गिवन, लिंक लिस्ट नॉट गिवन मतलब पी क्या होगा, नल, ठीक है। तो यहाँ क्या केस हो सकता है कि यहाँ ये जीरो भी हो सकता है, ठीक है, तो अगर लिंक लिस्ट गिवन है तो यहीं से वन आ जाएगा, तो रिमेनिंग जो है और आपको चेक करने का रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, तो दिस इज नॉट व्हाट सुइटेबल फॉर ऑल केस। सेकंड केस क्या हो सकता है, अगर वन एलिमेंट हो, वन नोड हो, वन नोड होगा तो वन नोड में क्या होगा, आपका पी लिंक लिस्ट है और यहाँ कोई नोड होगा और यहाँ ये पार्ट क्या होगा, नल,
तो इस केस में क्या होगा कि p next double equal to null, तो अगर एक नोड है ना, बट अगर एक नोड नहीं है आपके ज्यादा नोड है, मोर देन वन नोड है, तो भी ये कंडीशन व्हाट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो फुल फ्लेक्स्ड लिंक लिस्ट है तब हम बात करते हैं। फुल फ्लेक्स्ड लिंक लिस्ट में क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आपकी फुल फ्लेक्स्ड लिंक लिस्ट दी हुई है, लेट अस सपोज इट इज गिवन 10 20 30, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, 30 40 50 and this is given as 60. Suppose 6 elements are given and this is what null part and this is what, this is the p linked list given. Okay, now observe carefully. So what the code will do in that case, hai na, to p equal to null, no p is not equal to null, hai na, because p is having something, and again they are saying that what p next is not equal to null, so this is also false. To hum yahan aayenge else pe. तो else पे क्या है, p data is less than equal to p next data, so p data is so the condition is what, condition is p data is less than equal to p next data and f of what, f of p next, p next means अगले के लिए function call करना, recursive function call. तो p data is what less than equal to, yes definitely it is true, so this is what 1, this will return what 1, okay, or this end 1 end, so f of p next, so p next, next time p will become p next, this part, okay, so p next means p next, okay, अब इतने पे हमारा एग्जीक्यूशन होगा दिस पार्ट, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा p, okay, now अब यहां देखें हम, तो यहां भी क्या होगा, p data is less than q data, तो यहां आएगा 1 and 1, फिर यहां क्या आ जाएगा and what f of p next, ठीक है, this step will continue, तो means 1 and 1 एंड वन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स टाइम वन आएगा, है ना, वन टू थ्री फोर फाइव एंड दिस सिक्स, तो ये सिक्स टाइम वन क्यों आ रहा है, बिकॉज ये जो एलिमेंट्स आपके दिए हैं वो क्या दिए, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, एलिमेंट्स क्या है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, नॉन डिक्रीजिंग मतलब क्या है, इनक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स हैं, दैट्स व्हाई द एंटायर रिजल्ट वुड बी वन, द एंटायर रिजल्ट वुड बी वन, सो द एंटायर रिजल्ट ऑफ दिस, सो द एंटायर रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर है ना स्टेटमेंट वुड बी व्हाट, वन, ओके, सो व्हेन द गिवन लिंक लिस्ट इज इन, सो इट इज ऑलवेज गारंटी दैट अ लिंक लिस्ट इज गिवन, अ फुल फ्लेक्स लिंक लिस्ट इज गिवन एंड ऑल द एलिमेंट्स आर इन नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर, देन नॉन डिसेंडिंग मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर, then this particular what function always will gives you what, one is the answer, so which will correct answer, this is b option, if p is sorted in non descending order of data, but if non increasing order of data agar hota, non increasing means non decreasing order of data agar hai, means increasing order of data, or non decreasing matlab decreasing, decreasing hota to first case mein false ho jata hai na, so always this will gives you the guarantee, okay. So I hope that these concepts are clear to you, and if you are getting all the contents and learning from the same, then like, subscribe and share this channel to your learning community so that others will also get benefited from the same. Happy learning to all of you. Stay safe.